उमा जी, मैं विशेष रूप से घोषणा करने जा रहा हूँ कि ये जो बेतवा नदी है जो 550 किलोमीटर है, जो होशंगाबाद के मध्य प्रदेश वीरपुर से यमुना नदी से मिलती है और बीच में पड़ता जो है ओरा के पर्यटन डेवलपमेंट भी शुरू है ओरा में, नदी पर लोग बोटिंग शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे कार्गो का भी काम शुरू कर रहे हैं। मैं मेरे विभाग की ओर से बेतवा नदी को जलमार्ग घोषित कर रहा हूँ और इसका DPR बनाने के आदेश दे रहा हूँ। और आपको पता है कि मैं केवल सपने दिखाने वालों में से नहीं हूँ, मैं सपने पूरे करने वाला भी हूँ। अभी एक नई बात हो गई है, नितिन जी ने बेतवा को जलमार्ग घोषित किया है और ये जलमार्ग घोषित होने से नितिन जी को अनुमान नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़े पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया है, क्योंकि बेतवा का जलमार्ग हो जाना, बेतवा के दोनों किनारे बहुत सुंदर हैं और इसका परिणाम ये निकलेगा कि फूड प्रोसेसिंग पार्क जब हो जाएगा तो उसके माध्यम से वह भी व्यापार बढ़ेगा और बहुत बड़ा पर्यटन बढ़ेगा। और मुझे नितिन जी की बातों से लगा, जो उन्होंने कहा ना, वो सपनों को सच करने वाले मसीहा हैं और इसलिए मुझे लग रहा है कि बुंदेलखंड भारत के सबसे अग्रे इलाकों में होगा।